नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक के बारे में। फेसबुक अपनी एक खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, जिसका पिछले 6 महीने से सभी को इंतज़ार था और वो जो पल है बहुत ही जल्दी अपने पास आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार से होगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने अभी डिसाइड किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया है। पिछले 6 महीने से रिसर्च चल रहा था दोस्तों इस पर, और फेसबुक जो खुद का वो करेंसी डेवलप कर रहा है और उसका जो नाम वो हो सकता है फेसकॉइन। ओके गाइस, तो फेसबुक की जो खुद की क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम फेसकॉइन हो सकता है, और अभी जो नाम रिवील हुआ है वो एक न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा रिवील हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी जिज्ञासा थी लोगों में कि इसके जो कॉइन लॉन्च होगा उसका क्या नाम होगा, किस तरह का प्रारूप होगा। तो उसके बारे में इन्होंने जो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, जो भी इनके डिपार्टमेंट्स के थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, और जितने भी टॉप करेंसी मार्केट में चल रही है, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, इन सब क्रिप्टो करेंसी को देख करके, इनके जो टेक्निकल डाटा एनालिसिस करके, इनके जो एल्गोरिदम है, ओपन सोर्स है, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, उन सब तरह का इन्होंने रफ वर्क किया है, एक प्रकार से रिसर्च किया है। और जो इसकी जो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर ओपन सोर्स करेंसी है जो कि इंटरनेशनली चल रही है और मैक्सिमम कंट्री में लीगल हो चुकी है, उसी के आधार पर इनको डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर और ओपन सोर्स करेंसी लेकर के आना पड़ेगा। उसके ऊपर अभी कशमकश चल रही है कि जो करेंसी होगी वो डिसेंट्रलाइज होगा कि नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ इसको पब्लिक कंट्रोल करती है। तो फेसबुक चाहता है कि जो वो करेंसी लॉन्च करे उसको वो खुद कंट्रोल करें, ठीक है, और सिक्योर ब्लॉकचेन हो उसके ऊपर, और फेसबुक का जो भी अकाउंट है वो उसके ऊपर कंट्रोल हो, और पीयर टू पीयर और ओपन सोर्स की जो टेक्नोलॉजी है फेसबुक इसको तो ज़रूर यूज़ करेगी। ठीक है, और ओपन सोर्स एक थ्रेट नहीं है फेसबुक के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें न्यूज़ में 2 बिलियन प्लस मंथली यूज़र हैं फेसबुक के, अगर वो ओपन सोर्स करेंसी लॉन्च करते हैं तो इसकी जो करेंसी बहुत ही जल्दी टाइम में बूम हो जाएगी। ठीक है गाइस, और जो फेसबुक की जो कम्युनिटी है और इसका जो ट्रांजेक्शन है कॉइन का वो 1 से 2 सेकंड में हो जाए स्क्रेबल, और इसकी जो फीस है वो बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी ट्रांजेक्शन फीस। और एक नई चीज़ यहाँ पर आई है, UBI और UBC, यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल। तो इसके आधार पर उस करेंसी का निर्माण करेंगे जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो हर जगह बिटकॉइन की तरह। ठीक है, तो इनका जो दिमाग है वो इस करेंसी के पीछे काफ़ी लगा रहे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस करेंसी को इंटरनेशनली डिसेंट्रलाइज करके इसका जो फेसबुक करेंसी है और इसकी जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है, जैसा कि फेसबुक के पास है और फेसबुक और गूगल, तो गूगल के ऊपर अगर सब सर्च करेंगे तो गूगल वो उल्टाई इस तरह का इन्होंने बता रखा है कि रिसर्च जो इंजन में है वो टॉप पे रहेगी जैसे ही ये लॉन्च होगी करेंसी। ठीक है, और इस प्रकार जो इसका फेस क्वाइन जो लॉन्च होने की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, और आने वाले टाइम में वो जो भी कम्युनिटी है लोगों की फेसबुक के ऊपर, सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो प्लान है वो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करने का है, जैसा कि फेसबुक के पास मैसेंजर भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, 4-5 सोशल मीडिया है इसके जो पूरे इंटरनेशनली टॉप वर्ल्ड में है मार्केटिंग के पर्पज़ के हिसाब से। और अभी इसका जो ICO लॉन्च करने का प्लान है कि नहीं, 1000 टोकन्स के थ्रू, या इसका कुछ अलग प्लान होगा, ICO लेकर के आएंगे या कॉइन डायरेक्ट लेकर के आएंगे या किस तरह से, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है दोस्तों। 2 से 3 महीने के अंदर इसका जो कॉइन है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, और जब इसका जो कॉइन है वो लॉन्च हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है गाइस, और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है जैसे इथेरियम के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, इनकी जो एल्गोरिदम है, हैश पावर है, माइनिंग है, हर तरह का इनका इन्होंने रिसर्च किया है। और उसके बाद इन्होंने अपने न्यूज़ रिवील्ड किए पिछले 6 महीने से, इसके ऊपर मार्क जुकरबर्ग की जो टीम है, एक्सपर्ट टीम है, उस पर काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो जो फेसबुक है वो क्रिप्टो करेंसी जैसे लॉन्च करेगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलर तो उसको होना ही है, और उसका जो रेट का प्रिडक्शन है वो भी काफ़ी हाई जाएगा। तो अभी बातचीत चल रही थी कि ICO लॉन्च करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऊपर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, जैसा कि आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस,
तो आने वाले टाइम में इनकी जो करेंसी होगी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी मोस्ट प्रोबेबली होनी चाहिए वो ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर, जैसा कि चाइना में अलीबाबा और वी चैट फेसबुक को वहाँ पे बैन कर रखा है। तो अलीबाबा और वी चैट के थ्रू चाइना में काफ़ी पॉपुलर है, इस तरह से फेसबुक जो करेंसी लेकर के आएगा उसको पॉपुलर बनाने के लिए वो जो भी टेक्नोलॉजी निर्धारित करेंगे वो अपने आप में एक अलग ही मायने रखेगी गाइस। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।